अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू जे एस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा व्यू जे एस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 7 है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे टेम्पलेट टैग के बारे में और कुछ हम देखेंगे मैथड्स के बारे में कि किस तरह हम डायरेक्टिव्स को मैथड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप के जो एच टी एम एल एंटिटीज या एच टी एम एल एलिमेंट्स हैं जो किस किस्म के कह सकते हैं डायरेक्टिव्स के साथ और फिर उनके साथ किस किस्म के हम मेथड्स बाइंड कर सकते हैं या उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसकी मदद से जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपके यूट्यूब ऐप में, मोबाइल पर यूट्यूब ऐप में आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे और कीप अपने आप को अपडेट रख सकेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ये हमारा पार्ट 7 है व्यू जे की सीरीज़ का। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पलेट प्रॉपर्टी के बारे में। ये भी व्यू इंस्टेंस का एक हिस्सा होती है टेम्पलेट के नाम से। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें एक डिव लगानी पड़ेगी जो कि हम टारगेट करेंगे इनसाइड व्यू जी एस के इंस्टेंस, व्यू के इंस्टेंस में। तो वो इसका नाम हम रखेंगे डिव पार्ट 07। और अगर आपने ये टैब का देखा कि कैसे हुआ, तो ये हमारे पास एमिट कोडिंग है या जेन कोडिंग है, इसका भी एक अलग से मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। आपको उसकी नोटिफिकेशन ऊपर टॉप राइट साइड पे मिल जाएगी या आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वीडियो की लिस्ट में। सो ये हमने इसके एक टैग बना लिया। फिर इसके नीचे हम दो स्क्रिप्ट टैग्स ऐड करेंगे। एक में हम ऐड करेंगे व्यू जी एस के डिवेलपमेंट वर्जन। डिवेलपमेंट वर्जन इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, ताकि हम जो व्यू का हमने डेव टूल किया हुआ है उसके जरिए हम मैनिपुलेशन कर सकें, एरर वार्निंग्स को देख सकें, एरर को और वार्निंग्स को। तो यहाँ पे हम एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे व्यू का और इस व्यू के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। करली ब्रैकेट्स देने का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मेथड्स हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट के थ्रू जिस तरीके से हम कर सकते हैं वो यही इसका तरीका है। एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया हमने व्यू का, उसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट, सबसे पहला जो ज़रूरी ऑब्जेक्ट है वो है ई एल। ई एल स्टैंड फॉर एलिमेंट, किस एच टी एम एल एलिमेंट की आई डी या क्लास को हमने टारगेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 07। अच्छा, बात सोच रहे होंगे कि हम आई डी ही क्यों यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपने मेरे वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आईडी को, ये एक रिकमेंडेशन है W3C की कि पूरे आप HTML के एक पेज में एक आईडी, एक एलिमेंट को एक आईडी सेम नेम से दे सकते हैं। मतलब अगर मैंने div id is equal to part 07 दे दिया है इसको, इस div को, तो एक और किसी div को मैं part 07 आईडी नहीं दे सकता। जबकि क्लास का ये कॉन्सेप्ट है कि आप क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जब आप व्यू को कॉल करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप आईडी के थ्रू ही उसको टारगेट करें, ना टैग नेम के थ्रू करें, ना क्लास नाम के थ्रू करें, ना किसी और मेथड से। हालांकि अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के साथ हम सिंपली लिख सकते हैं कोई भी, जैसे ये मैं डबल कोट्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड, ये लिखा मैंने सिंपली। चूंकि अब हमने यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे डायनेमिक नहीं लिया अभी, तो सिंपल स्टैटिक टेक्स्ट है, तो इसको एज इट इज़ लिख के हम यहाँ पे अब इसको लोड करेंगे ब्राउज़र में। तो राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र किया, इन फाइल मोड, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन इस तरीके से टेम्पलेट लिखने से दो चेंजेस आई हैं। पहली चेंजेस, अगर हम पहली जो चेंज है व्यू पेज सोर्स करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखा हुआ आएगा डिव आई डी पार्ट 07। ये वो कंटेंट्स हैं जो स्टैटिक है, मतलब ये रेंडर होने के बाद जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने से पहले जो भी उसका उसका स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ तो आप देखेंगे यू विल नॉट फाइंड दिस डिव एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। ये वाली डिव आईडी
ये वाली जो आईडी है div आईडी पार्ट 07 आप डायनामिक मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उसने रिप्लेस कर दिया उस div कंप्लीट div को इस h1 के साथ। ये देख सकते हैं आप h1 हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये काम करता है हमारे पास टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट के अंदर हम जिस तरह की भी कोडिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता जाऊँ कि एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे सपोज इसका एक टेम्पलेट डिज़ाइन करने लगे हैं, div id इज इक्वल टू रैपर। ये मैंने सिंगल कोर्स इसलिए लिखे हैं कि बाहर हमारे पास डबल कोर्स है। तो अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही होगी, रेंडर प्रॉपरली ये नहीं हुआ। ये देखें div यहाँ पे क्लोज होगी। अब मैं यहाँ पे एक p टैग लगाता हूँ या h1 टैग लगाता हूँ तो आपको एक रेड लाइन फिर नज़र आएगी। सॉरी ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे आपको फिर रेड लाइन नज़र आई। अब मैं इसको हेलो वर्ल्ड कह देता हूँ h1 में, और अब हमारे पास मैं इसको भी दो लाइनों में लिख देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये हमारे पास जब रेंडर होगा ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हालांकि हमने सारा रूल फॉलो किया है, डबल कोट्स के अंदर रैप किया हुआ इसको तो, लेकिन ये यहाँ पे एरर यहाँ पे आएगा हमारे पास। ये देखें अनएक्सपेक्टेड टोकन। अगर हम एरर देखें तो ये हमें बता रहा है कि इस टेम्पलेट के बाद ये जो टोकन है यहाँ पे ये नेक्स्ट ब्रेक लाइन को ये रीड नहीं कर रहा है, ये हमने लाइन को ब्रेक किया। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश इसको कह लें या इसको फॉरवर्ड स्लैश कह लें, वो लगाते जाएंगे हर एक एंड पे। ये देखें और आप देख रहे हैं रेड लाइन मूव कर रही है। सिंपली इस तरीके से आप लिखेंगे। अब जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो हमारा टेक्स्ट रेंडर हो जाएगा। दिस मेथड, ये जो मेथड था ये ES6 से या ECMAScript 6 से या 5 से पहले का है। अगर हम Vue.js में यूज़ कर रहे हैं इसको तो Vue.js हमें एक और कोट्स प्रोवाइड करता है जो ना सिंगल कोट है ना स्पेशल कोट है। अगर मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखा सकूँ, अपना कीबोर्ड यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड शो कीबोर्ड व्यूअर, इसको अगर यहाँ पे आप देख सकें तो गौर करिएगा यहाँ पे एक ये एक साइन है ये वाला, ये शिफ्ट के साथ, ये ना सिंगल कोट है और ना ये डबल कोट है, क्योंकि सिंगल कोट हमारे पास यहाँ पे ये सिंगल कोट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ये वाला हमारे पास सिंगल कोट है, ये जो लिखा गया तो ये हमारे पास है सिंगल कोट है ये वाला, लेकिन ये जो हमने ये लिखा है ये सिंगल कोट है। तो इसके अलावा ये हमारे पास डबल कोट है, इसके अलावा ये एक साइन है ये वाला, ये जो टिल्ड के ऊपर ये टाइल्ड साइन जो मेरे कीबोर्ड के ऊपर टाइल्ड साइन के ऊपर आपके डिफरेंट प्लेस पे हो सकता है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये देखें आप ये कुछ डिफरेंस है, ये सिंगल कोट है और ये इसको टिल्ड साइन भी कह सकते हैं, मतलब ये साइन हम यूज़ करेंगे अब टेम्पलेट डिज़ाइनिंग के लिए। फिर इसके क्या फ़ायदा हमें होगा कि हमें ये जो एक्स्ट्रा हमने स्लैशेज लगाई हैं ये हमें नहीं लगानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि हम इसके अंदर डबल कोट सिंगल कोट जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकेंगे। तो चलिए इसको करते हैं यूज़। अब मैं यहाँ पे ये टाइल्ड साइन लगा दिया। अब आपने देखा जैसे ही मैंने टाइल्ड साइन लगाया हमारा जो एरर था वो रेड लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हम जिस तरीके से मर्जी यहाँ पे एक प्रॉपर HTML मतलब पोर्शन लिखेंगे, पूरी HTML तो नहीं लिखेंगे, इतनी ज़्यादा HTML लिखने के लिए हम अलग से कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। तो इस टेम्पलेट टैग के अंदर हम सिंपल इतनी, अब यहाँ पे अब आपको फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट जो भी यूज़ करना चाहें, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया CLS, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किया, कोई एरर नहीं आया। इवन आप जब इसको रन करेंगे तो हमारा जो कंसोल है वो भी हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास है टेम्पलेट टैग। अब इसमें डायनामिक डाटा भी हम पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हम उसी तरीके से यहाँ पे डाटा डाटा के साथ हम यहाँ पे एक मैसेज वेरिएबल ले सकते हैं और उसमें हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। अब ये मैसेज वेरिएबल हम मुस्तैश इंटरपोलेशन वी टेक्स्ट वी HTML को यूज़ करते हुए यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज लिखूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वो मैसेज वही है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम जाएंगे तो व्यू की टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आप रूट में आप देख सकते हैं मैसेज के अंदर हेलो वर्ल्ड है, और जैसे हम कंसोल में जाके यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट मैसेज इज इक्वल टू गुड बाय
वर्ल्ड, एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये डायनामिकली टेम्पलेट चेंज हो चुका है। लेकिन फ़र्क एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा दूं यहाँ पे। पहला इसका फ़र्क ये है कि बॉडी के अंदर जो हमने यूज़ किया था div id part 07 वो ख़त्म हो चुका है, उसको इसने इस टेम्पलेट टैग ने ओवरराइड कर दिया कम्प्लीटली, उसके अंदर कुछ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। प्लस अगर आप इसको व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा और साथ में वो स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ नज़र आएगा जो हमने यूज़ किया है। अब आप इसको मिनीफाइड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा डाटा हाइडिंग भी है कि इसको डिबग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट डिज़ाइन किया है तो उनको डिबग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा किसी भी इनवॉइस यूज़र के लिए। आप इसको व्यू डॉट जे एस का जो प्रोडक्शन वर्जन है वो यूज़ करेंगे, प्लस आप अपने स्क्रिप्ट को मिनीफाइड कर लेंगे और एक अलग से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रहा हूँ विद इन HTML, लेकिन आप इसको अलग से एक स्क्रिप्ट फाइल भी बना सकते हैं। बास यूज़र मेरे बास फॉलोअर शायद ये कंसिडर करेंगे ये ऐसे ही है, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। एक यहाँ पे साइड बार को मैं व्यू करता हूँ, शो साइड बार, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं सेव करता हूँ व्यू स्क्रिप्ट डॉट जे एस, कोई नाम भी दे सकते हैं, मैंने इसको व्यू स्क्रिप्ट डॉट जे एस नाम दिया। अब इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इंडेक्स डॉट HTML में यहाँ पे इस स्क्रिप्ट टैग को मैं सोर्स दे देता हूँ व्यू स्क्रिप्ट डॉट जे एस। तो आप ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे वो इन लाइन स्क्रिप्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे इसको व्यू में जाता हूँ दोबारा, लेआउट में टू कॉलम लेआउट करता हूँ और इस जगह पे मैं व्यू स्क्रिप्ट डॉट जे सॉरी इसको मैं ओपन करता हूँ, डोंट सेव इस, इसको मैं यहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाला यू ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास HTML है और यहाँ पे वो व्यू स्क्रिप्ट है। इसको मैं यहाँ से जैसे भी मैनिपुलेट करना चाहूँ मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। स्क्रीन साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया स्क्रीन साइज, ताकि आपको आई थिंक यहाँ तक ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हम इसको, मैं बेशक नेक्स्ट लाइन पर भी ले आऊँ तो इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग विल इंटैक्ट। आप बेशक इसको ब्रेक कर लें और ये साइन आपने याद रखना है। तो ये था हमारे पास टेम्पलेट टैग। आई एम श्योर आपको इसकी टेम्पलेट टैग की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंपोनेंट्स को हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स। मेथड्स हमारे पास दो किस्म के हैं इसके अंदर, व्यू जेएस के अंदर, एक वो जो खुद बहुत एग्जीक्यूट होते हैं और एक वो जो हम डिफाइन करते हैं। Vue.js के अंदर जहन में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि हम हमेशा मेथड्स, जो यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हम, जब भी हम करली ब्रैकेट्स कॉलन के बाद यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डाटा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि टेम्पलेट के बाद हमने कॉलन यूज़ किया, इसी तरह EL के बाद हमने कॉलन यूज़ किया, करली ब्रेसिस यूज़ नहीं की। तो मेथड्स यहाँ पे अब हम किसी किस्म के भी यूज़र डिफाइंड मेथड्स बना सकते हैं और उनको वी कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, क्लिक इवेंट के साथ कर सकते हैं, फिर वी ऑन के साथ कर सकते हैं, किसी भी वी मॉडल के साथ तो नहीं कर सकते, चेंज के साथ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट इवेंट्स हैं जो वी ऑन के, उसके साथ हम इनको लिंक कर सकते हैं और वो हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये टेम्पलेट है हमारे पास, यहाँ पर मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे देता हूँ और वी मॉडल दे देता हूँ इज इक्वल टू मैसेज। ये अभी मैंने आपको इसका बता रहा हूँ डायनामिक का। अब ये H1 की जगह पे मैसेज चेंज होगा डायनामिकली जो भी मैं इस टेक्स्ट के अंदर टाइप करूँगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर भी अब हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और इसी तरीके से H1 के टैग में भी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड बाय वर्ल्ड, तो आप देख रहे हैं कि डायनामिकली वो चेंज हो रहा है टेक्स्ट, वो जो कुछ भी हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं वो डायनामिकली यहाँ पे भी चेंज हो रहा है वी मॉडल की वजह से, और वो वी मॉडल हमने टेम्पलेट टैग के अंदर यूज़ किया। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं यूजिंग सिंपल टेम्पलेट टैग। अब बात करते हैं मैथड्स की।
तो मेथड्स क्या होते हैं कि यूजर डिफाइंड, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम मेथड्स या जेक्यूरी के मेथड्स हम यूज़ करते हैं ऑन क्लिक, उसके बाद हम जो भी मेथड मेथड डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम उस मेथड का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने एक मेथड बनाया शो हाइड, ठीक है। अब इसके बाद शो हाइड के बाद हमें अब यहाँ पे डायरेक्ट कर ली, अगर ये सॉरी ये ब्रैकेट यूज़ करके इस तरीके से करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग शो हाइड मेथड कॉल्ड। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है कि इसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे एक बटन लगा दूँ, बटन यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, चाहे तो मैं HTML टेम्पलेट के अंदर भी लगा सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो इस टेम्पलेट टैग की वजह से ओवरराइड हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ वी ऑन क्लिक, या आप इसको एट द रेट क्लिक भी लिख सकते हैं, तो इस सेम शॉर्ट हैंड नोटेशन इज इक्वल टू शो हाइड, जो नाम आपने रखा है जिस केस में रखा है आप उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शो मैसेज। अब ये मैसेज शो होगा कंसोल के अंदर, मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे शो मैसेज लिखा हुआ आया, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं जैसे शो मैसेज को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको मैसेज मिल नज़र आएगा वो। तो ये देखें शो हाइड मेथड कॉल, तो ये एक तरीका होता है मेथड को लिखने का, एक तरीका। इसका दूसरा तरीका होता है, एक और जो पुराना तरीका है जो बहुत से यूज़र्स को पता भी होगा, वो ये है कि हम शो मैथड हाइड के बाद कॉलन लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन और ब्रेसेस। ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और हमारे पास आउटपुट सेम वही आउटपुट आए। तो ये एक और भी इसके अलावा तरीका होता है जिसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, मतलब इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन का, वो उसको मैं अभी यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता। बस आप ये दो मेथड यूज़ कर लें, एक तो विदाउट टाइपिंग फंक्शन आप सिंपली कर ली स्क्वेयर ब्रैकेट्स सॉरी ब्रेसिस को लगा दें मैथड नेम के बाद तो वो उसको कॉल कर लेगा। अब आप कभी ये चांस हो कि आप ये चाहते हैं कि ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो, तो इसका भी एक तरीका होता है कि हम इस मेथड के बाद, ये जो हमने मेथड्स की प्रॉपर्टी है या मेथड का ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कॉलन लगाएंगे और इसके लिए एक इसके अंदर माउंटेड का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, उसको लिखने का ये तरीका है माउंटेड के। जैसे ही माउंटेड हो जाए ये व्यू का इंस्टेंस, तो कॉल करो किसको शो हाइड को, दिस डॉट शो हाइट, ये हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखा कि जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो मेथड शो हाइट मेथड कॉल लिखा हुआ है। अभी मैंने बटन को क्लिक भी नहीं किया और वो मेथड इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2+2 लिख दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये मैंने नहीं क्लिक किया, लेकिन अगर मैं आप बटन को क्लिक करूँगा तो भी यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे 4 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक मेथड की बजाय मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड करते जाएं और यहाँ पे सी मैसेज ये बना लें, कॉमा डालते जाएँ, जितने मैसेज आपने सॉरी जितने मेथड्स आपने बनाने हैं इस मेथड्स ऑब्जेक्ट के अंदर आप बनाएंगे व्यू के इंस्टेंस के लिए। उसके बाद माउंटेड के ज़रिए भी आप ऑटोमेटिक किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एट रन टाइम, और उसके बाद उसको किसी इवेंट के साथ किसी वी बाइंड किसी डायरेक्टिव के साथ बाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एट क्लिक के साथ किया। तो ये था हमारे पास दूसरा तरीका, एक था पहला हमने देखा टेम्पलेट टैग को यूज़ किया, फिर उसी टेम्पलेट टैग को यूज़ करते हमने देखा कि कैसे मेथड्स यूज होते। अब इसके अलावा एक और मेथड भी है व्यू के इंस्टेंस के अंदर जो कि रिप्लेस करता है इस ईएल को, मतलब अगर हम यहाँ पे ईएल नहीं लिखना चाहते, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो दूसरा इसका जो तरीका है इसको एग्जीक्यूट करने का, वो जहाँ पर हम इसको एंड कर रहे हैं वहाँ पर डॉट लगाएँ और यहाँ पर डॉलर साइन माउंट का फंक्शन लिखें और इसके अंदर आप पार्ट 07 लिख देंगे तो इट विल वर्क सेम लाइक जैसे आपने यहाँ पे EL लिखा था। तो ये देख लें कोई भी चेंजेस नहीं हुई, वही आउटपुट हमें दोबारा मिली, हालांकि यहाँ से हमने EL को ख़त्म कर दिया, एलिमेंट जो टैग था या प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म की और हमने यहाँ पे एक माउंट फंक्शन को कॉल किया। ये व्यू JS के अंदर यहाँ पे ये देख सकते हैं इफ view3.prototype:mount, तो वो फंक्शन एक माउंट का एक फंक्शन है उसको
कॉल कर लेगा। इसी तरह इसके अंदर व्यू डिलीट, व्यू, काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं व्यू जेएस के अंदर। अब हर एक को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सबको, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अगर मैं मेथड्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने यूज़ किया वी एम डॉट माउंट, वी एम का मतलब है व्यू जो ऑब्जेक्ट है वी एम, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे देखें, अगर व्यू टैब में जाके तो रूट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि वी एम ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आ, डॉलर वी एम ज़ीरो। तो ये वी एम, इससे मुराद ये वी एम से वही ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा इसको व्यू कंपाइल, व्यू कंपोनेंट, ये व्यू कंपोनेंट्स को हम भी देखेंगे आगे चल के। फिर व्यू डायरेक्टिव्स, अपने यूज़र डिफाइंड डायरेक्टिव्स भी आप बना सकते हैं, व्यू को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिट एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल है बिगनर्स के लिए। ये इतना ही जान लेना काफ़ी है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टिव्स हैं, अगर वो मेथड्स अगर उनको प्रॉपरली यूज़ कर लें तो आई थिंक आप एक अच्छी ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ, रिसेंटली मैं यूट्यूब के ऐसे सर्चिंग कर रहा था, मुझे चैनल नेम याद नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। उस वीडियो में मैंने देखा नेटिव स्क्रिप्ट, कोई टाइप है स्क्रिप्ट की नेटिव स्क्रिप्ट, उसके बारे में मैं सर्च करूँगा कि नेटिव स्क्रिप्ट क्या, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। उसने नेटिव स्क्रिप्ट और व्यू जे एस दोनों को यूज़ करके मोबाइल ऐप डिज़ाइन की, डायनामिक मोबाइल ऐप, जी हाँ, नेटिव स्क्रिप्ट और व्यू जे एस को, उसके बारे में मैं सर्च करूँगा। अगर मुझे अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल उसके बारे में मिले तो आई विल श्योरली फॉलो इट, आई विल श्योरली लर्न इट एंड विल शेयर इट विद यू इन उर्दू, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा कि वो इंग्लिश में ही उसके ट्यूटोरियल्स हैं। मुझे अब सही याद नहीं चैनल नेम क्या था, सॉरी फॉर दैट, मैं अगेन सॉरी करता हूँ। मैं इसके बारे में सर्च करूँगा, आप भी सर्च कीजिए नेटिव स्क्रिप्ट के बारे में, और अगर आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं, समझ आ जाती है, तो डेफिनेटली उनको देखें, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो खैर, आज हमने देखा टेम्पलेट टैग के बारे में और लर्न किया कि मेथड्स कैसे हम डिज़ाइन करते हैं विद इन व्यू जी एस। मेथड्स की आपके पास, हमारे मेथड्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जितने मेथड्स हम बनाना चाहें कॉमा सेपरेटेड, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हर मेथड को एक वेरिएबल पास होता है, इवेंट, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरे वेरिएबल्स भी हम इसको पास ऑन कर सकते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, किसी किस्म के भी वेरिएबल हम पास करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको पास होता है वो इवेंट होता है। अगर यहाँ पे मैं इवेंट लिखूँ शो हाइड में, और यहाँ पे बजाय प्लस टू प्लस लिखने के मैं इवेंट लिखता हूँ, तो देखिएगा आप, मैं इसको रीलोड करता हूँ कंसोल में, तो यहाँ पे इवेंट, हाँ, यहाँ पे मैंने ये लिखा और यहाँ पे इवेंट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अब इसको सॉरी कंसोल डॉट दिस शो हाइड, शो हाइड का इवेंट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट पास होता है, कोई भी क्लिक इवेंट, हाँ सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि प्रॉपर्टी और मेथड इवेंट इज़ नॉट डिफाइंड बट रेफरेंस ड्यूरिंग रेंडर, और ये यहाँ पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट उसने यहाँ पे मुझे एक इवेंट ट्रिगर किया। जैसे मैंने शो मैसेज पे क्लिक किया, उसने मुझे बताया कि ये वाला इवेंट उसके अगेंस्ट जो है ट्रिगर हुआ है, ठीक है। लेकिन जब लोड पे आपको यहाँ पे एक मैसेज अनडिफाइंड आ रहा होगा, ये देख सकते हैं अनडिफाइंड, ये मैसेज इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे हमने माउंटेड के थ्रू इसको कॉल किया, तो इसके अगेंस्ट कोई इवेंट अकर नहीं हो रहा, बल्कि सिंपली ये माउंटेड एक मेथड है जो ऑटो एग्जीक्यूट होता है, उसके अगेंस्ट इस वो रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको माउंटेड वाले को ख़त्म कर देता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे वो एरर ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हैं। अब मैं जब शो मैसेज को क्लिक करूँगा तो ना सिर्फ ये कि वो मुझे बताएगा कि इसके अगेंस्ट कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है, बल्कि उसकी टाइप भी हम देख सकते हैं। इवेंट डॉट टाइप लिखें अगर हम, सॉरी इधर नहीं लिखना, ये तो पैरामीटर है, यहाँ पे हमारे पास इवेंट डॉट टाइप अगर मैंने लिखा और इसको मैं क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि ये क्लिक इवेंट है, क्लिक का इवेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टू एलिमेंट लिख दूँ, ये मैं आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ, तो टू एलिमेंट लिखने के बाद मैं जब करूँगा क्लिक, तो इसने बता दिया मुझे कि किस बटन को क्लिक करने से, किस एलिमेंट को क्लिक करने से ये इवेंट हुआ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, आई थिंक टेक्स्ट है या इनर HTML है, हाँ चलें देखते हैं इसको, तो अनडिफाइंड है तो इनर HTML हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनर HTML,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इनर एच टी एम एल शो मैसेज है, क्योंकि ये एच टी एम एल है तो ये उसने शो कर दिया। तो दोस्तों ये था हमारे पास टेम्पलेट टैग को कैसे यूज़ करते हैं और हम डायनामिक टेम्पलेट्स कैसे बना के उसको इंजेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्टेंस में, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एलिमेंट, ये इसको ओवरराइड कर देता है अगर आप टेम्पलेट टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अब देखेंगे कैसे हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करते हैं और फिर उनको डायनेमिक डाटा किस किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल मिल जाए और आप उसको देख सकें और अपने आप को अपडेट रख सकें Vue.js की मेरी ट्यूटोरियल सीरीज के साथ। सो थैंक यू गाइस बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।